आप में से ही बहुत से साधकों ने पूछा है कि महासमाधि की वो परम घटना घटने के बाद या कहें मोक्ष की प्राप्ति के बाद आखिर होता क्या है, मतलब मोक्ष के बाद क्या। देखिए, अब तक जितने भी सिद्ध पुरुषों ने महासमाधि के अनुभव को जाना, मोक्ष की अवस्था को जाना, उन्होंने महासमाधि या मोक्ष की उस परम अवस्था को बताने का सरल से सरल प्रयास किया। उन्होंने बताया कि आखिर मोक्ष का अर्थ क्या है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर मोक्ष के बाद क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। मोक्ष का अर्थ है कि दोबारा लौटकर वापस ना आना। मतलब जिस व्यक्ति को ये मोक्ष की परम घटना घटती है, सत्य का अनुभव होता है, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वह संसार के सभी बंधनों से, सभी वासनाओं से मुक्त हो चुका है। असल में आपकी वासनाएं, आपकी इच्छाएं कारण बनती हैं आपके हर एक जन्म का। मोक्ष के अर्थ को जानो। आपको ये जन्म मिला, इस जन्म के साथ साथ आपको भोगने के लिए बहुत से कर्म मिले। कुछ ऐसे ही, जैसे मान लो आपको एक प्रोजेक्ट मिला है कहीं काम करने के लिए, और आपने उस प्रोजेक्ट को सूझबूझ के साथ कंप्लीट किया, और अब आपको कहा जाए कि बिना किसी कारण इसे दोबारा वहीं से शुरू करो, तो आप इसे नहीं करेंगे, क्यों, है ना। असल में मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ चमत्कारिक शक्तियां मिलेंगी, नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं होने वाला। मोक्ष का केवल एक ही अर्थ है, जो जैसा है वो वैसा ही दिखाई देता है। मोक्ष है परम विश्राम की अवस्था। आप परिवार चाहते थे, आपको मिल गया, आप धन कमाना चाहते थे, आपने धन कमाया, शरीर की काम वासना पूरी करने के लिए आपने स्त्री को भोगा, स्त्री ने पुरुष को भोगा, दुनिया की सभी सुख सुविधा भोगने के बाद आपने जाना कि ये सब दुखों का कारण है। आपको जिस चीज में सुख दिखाई पड़ता है, वही चीज आपके दुख का कारण बनती है। जब आपके शरीर या मन की कोई वासना नहीं बचती, आप ये जान लेते हो कि संसार में रहते हुए परमानंद को नहीं जाना जा सकता। असल में संसार ही सुख दुख और बंधनों का मूल कारण है। जब एक साधक इस मैकेनिज्म को, इस सिस्टम को भली भांति जान लेता है, तब उसकी सभी इच्छाएं, सभी वासनाएं एकदम से गिर जाती हैं। तब वही क्षण मुक्ति का क्षण होता है। असल में समाधि या कहें मोक्ष आपको एक सेकंड में घट सकता है। ये कुछ वही अनुभव होता है जब आप नो माइंड की अवस्था में होते हैं। कुछ वो खास पल जिस पल आपको इस संसार की, संसार के किसी भी बंधन की, घर परिवार सगे संबंधी, धन दौलत सम्मान अपमान, आपकी पोजीशन सफलता असफलता, और आपका यह शरीर, जब इनमें से किसी का बोध नहीं होता, आप खुद भी नहीं जान पाते असल में यह अवस्था क्या है, क्योंकि आपका दिमाग जो तर्क लगाता है वो भी मिसिंग होता है, आपका मन भी नहीं होता। जिस पल ऐसा अनुभव हो जाए, समझो समाधि घट गई, और ऐसा घटते ही आप स्टेबल रह पाए, तब आप सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ समझ में आने लगता है, सब पिक्चर क्लियर हो जाती है। बस यही मोक्ष है। आपने अपने इस जन्म में जितना भी पागलपन किया, जो भी कुछ किया, अब आप इसे दोहराना नहीं चाहते, बस यही मोक्ष है। अब आपकी वापसी संभव नहीं है,